नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK प्रताप। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BMS PHMS कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए जो हरियाणा में आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसका सीट अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड का फाइनल सीट अलॉटमेंट वो आ चुका है। तो देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स पे आपके एडमिशन हुए हैं, और साथ ही आपको बताते हैं जिन जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है उन्हें आगे क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सारी जानकारियां आगे इस वीडियो में आपको मिलेगी, और साथ ही सेकेंड और जो आपकी मॉक राउंड काउंसलिंग है उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आया जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जिन जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है उन्हें 25 जनवरी और 27 जनवरी इन दो डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कंसर्न और रिलेवेंट कॉलेजेस में। उसके बाद ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्रूवल करेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस है वो जमा करानी है यूनिवर्सिटी के गेटवे पे। उसके बाद आपको जो रिसिप्ट है वो जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे रिसिप्ट है जो फ़ी की वो जमा करानी है, और फिर आपका ज्वाइनिंग है वो हो गया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की कैटेगरी वाइज किस किस कॉलेज में क्या कट ऑफ रही है नीट रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्रा में BMS कोर्स के लिए, तो उसकी जो कट ऑफ रैंक रही है ओपन कैटेगरी की श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में वो आपकी रही है 33,904, 33,904 रैंक है जिस कैंडिडेट की ऑल इंडिया में। उसका एडमिशन हो गया है, तो लास्ट कैंडिडेट है जिसका एडमिशन हुआ है श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र BMS में, उसकी रैंक 33,904 है। तो इसके जो रैंक के अकॉर्डिंग अगर रेंजेस देखें मार्क्स की तो आपके अराउंड आपके 540 से 550 मार्क्स है जिस कैंडिडेट के, उनका एडमिशन हो गया है जनरल कैटेगरी में श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में। उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS में जिस कैंडिडेट की रैंक है आपकी 44,135 रैंक है जिसकी ऑल इंडिया में, उस कैंडिडेट का EWS कैटेगरी में श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें BCA कैटेगरी की, तो BCA कैटेगरी में जिस कैंडिडेट की आपकी रैंक है साठ हज़ार नौ सौ एक रैंक है जिस कैंडिडेट की, उसका एडमिशन श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज BMS में हो गया। तो जो रैंक हम आपको बता रहे हैं इस रैंक पे जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसका लास्ट जो एडमिशन हुआ है वो रैंक आपको बता रहे हैं, वही कट ऑफ रैंक आपकी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें BCB कैटेगरी की, तो BCB कैटेगरी में आपका जो मार्क्स हैं आपकी जो रैंक है वो आपकी रही है 43,412, 43,412 रैंक थी जिस कैंडिडेट की, उसका श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन आपका हो गया है। और बाकी जो आपके तीन कॉलेज हैं MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर कलां सोनीपत, और जो आपका लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज है वो JR किसान है। तो JR किसान तो आपका एक प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जिसके मार्क्स अराउंड 400 है उसका तो स्टेट कोटा में आसानी से हो गया, मैनेजमेंट कोटा में सभी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट का भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन तीन कॉलेजेस की, तो इनकी जो कट ऑफ है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितने मार्क्स पे आपके ये कट ऑफ रही है। तो जो मेन आपका जो कॉलेज था वो श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज था जिसकी कट ऑफ हमने कैटेगरी वाइज आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रिगार्डिंग जो अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।